मैं अरविंद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बांदी हुई। वर्क फ्रॉम होम के तहत और बीए पार्ट फर्स्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग भक्ति आंदोलन और भक्ति काल के बारे में थोड़ी चर्चा करूँगा। विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 का जो कालखंड है उसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। अब से पहले का जो युग है आदिकाल, वो पूरी तरह जो साहित्य वो दरबारी साहित्य है। कवि राजा के दरबार में रहता है और उस राजा की प्रशंसा करता है, उसको समाज की समस्याओं से कहीं कोई लड़ देना नहीं। लेकिन अचानक 1375 तक आते आते पूरे भारतवर्ष में भक्ति का एक सैलाब उमड़ा। भक्ति इतने व्यापक स्तर पर भक्ति का उद्भव हुआ कि उसे विद्वानों ने आंदोलन का नाम दे दिया पूरे भारत में। तुलसीदास जी ने कहा, कीने प्राकृत जन गुनगाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना, कि यदि कोई साधारण राजा की प्रशंसा करता है तो वो सरस्वती सिर धुन के पछताती है। सब सारे कवियों ने केवल ईश्वर की ओर, ईश्वर की चर्चा की, भक्ति की चर्चा की। उद्भव के कारण क्या रहे, अब अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग आलोचकों ने इसके अलग अलग कारण बताए। चार मत मुख्यतः उद्भव के कारण में आते हैं। पहला मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय का, दोनों का मत लगभग एक जैसा है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि अपने पौरुष से हताश और निराश उस युग के मनुष्य को, जो मुगलों के आक्रमण से पूरी तरह हताश और निराश हो गया था, उसको ईश्वर की शरण में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसी तरह की बात बाबू गुलाब राय करते हैं कि हारी हुई मनोवृत्ति का आदमी दो काम करता है, या तो वह हार को भूल जाना चाहता है भोगविलास में पढ़कर, या फिर वह अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाता है, ईश्वर की ओर चला जाता है। तो बाबू गुलाब राय और रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को भारत में हताशा और निराशा का परिणाम माना। एक जो दूसरा मत है, कबीर, हुमायूं, आबिद हुसैन जो विद्वान हैं, वो मानते हैं कि भक्ति भारत में इस्लाम के प्रभाव के परिणाम स्वरूप आई। कबीर का जो एक वाद है वो इस्लाम के प्रभाव का परिणाम है। ये विद्वान मानते हैं कि भारत में जो भक्ति का उद्भव हुआ वो इस्लाम की वजह से हुआ। तीसरा मत ग्रियर्सन, विल्सन, वो मानते हैं कि भारत में भक्ति का प्रादुर्भाव ईसाइत की देन है। उन्होंने तर्क दिया कि मद्रास के आसपास 15वीं सदी में कुछ ईसाई आके बस गए थे और उनके प्रभाव के परिणाम स्वरूप भारत में भक्ति का उद्भव हुआ। वो मानते हैं कि जो महाभारत में श्वेत दीप का वर्णन है वो और कुछ नहीं, लंदन का ही वर्णन है, और जो आपके कृष्ण जो गाय चराते हैं वो और कोई कृष्ण नहीं, वो हमारे क्राइस्ट हैं जो जानवरों से प्रेम करते हैं। तर्क था उनका, तीन तर्क हो गए। हताशा निराशा का परिणाम बाबू गुलाब राय और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, इस्लाम के प्रभाव के परिणाम स्वरूप कबीर, आबिद हुसैन, हुमायूं ये तर्क देते हैं, ग्रेयर्सन और विल्सन तर्क देते हैं ईसाइत के प्रभाव के परिणाम स्वरूप। लेकिन आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी इन तीनों ही मतों का खंडन करते हैं। ना तो वो हताशा निराशा का परिणाम मानते हैं, ना ईसाइत की देन मानते हैं, ना इस्लाम की देन मानते हैं। वो कहते हैं कि भारत में भक्ति युगों युगों से चली आ रही है। उन्होंने नारद भक्ति सूत्र, सांडिल भक्ति सूत्र, महाभारत के भीष्म पर्व जिसमें भक्ति का विश्लेषण हुआ है, और नारद भक्ति सूत्र जिसमें 9 प्रकार की भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास, सख्य, आत्मनिवेदन, 9 प्रकार की भक्ति का विश्लेषण है, उन्होंने
इन ग्रंथों के आधार पर माना कि भारत में भक्ति बहुत प्राचीन, उन्होंने भक्ति का जो स्रोत है वो प्राचीन दार्शनिक भक्ति ग्रंथों को माना। उन्होंने माना कि जैसे मेघ बरसात में जल बरसाते हैं लेकिन बाष्प लेते हैं वो समुद्र से, उसी तरह ये जो बाष्प ली उन्होंने भक्ति की वो प्राचीन धर्म ग्रंथों से ली है। तो इस प्रकार भक्ति आंदोलन के जो उद्भव के कारण है, चार जो मत हैं, हताशा निराशा का परिणाम जो रामचंद्र शुक्ल बाबू गुलाब राय कहते हैं उसको, उसका खंडन करते हैं। ईसाइयत के देन जो ग्रियर्सन विल्सन बताते हैं उसका खंडन करते हैं। इस्लाम की देन उसका खंडन करते हैं। वो मानते हैं कि भक्ति जो नारद भक्ति सूत्र, सांडिल भक्ति सूत्र और भीष्म पर्व जिसमें भक्ति का विश्लेषण है उसको आधार मानते हैं कि भारतीय जो भक्ति है, भारत में जो भक्ति आंदोलन का जो उद्भव हुआ उसका जो स्रोत है वो पाठ प्राचीन भारतीय दार्शनिक ग्रंथ है। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि भक्ति काल में की धाराओं के बारे में। भक्ति काल में मुख्यतः दो धाराएं चलती हैं, एक सगुण धारा एक निर्गुण धारा। सगुण धारा जहां ईश्वर के अवतारवाद में विश्वास किया जाता है कि जब जब सृष्टि पर अधर्म बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, तब परमात्मा अवतार लेते हैं। वो सुप्रीम पावर, वो सर्वोच्च सत्ता निर्गुण निराकार सोई भगन भगत प्रेम व सगुण सोई, कि वो सुप्रीम पावर, वो सर्वोच्च सत्ता, उसका जब मन करता है सृष्टि पर जब अनाचार दुराचार बढ़ता है तब अवतार धारण करते हैं। विप्रधैन सुरशांत हित लीन मनुज अवतार, इस तरह की बात करते हैं तुलसीदास जी। सगुण धारा अवतारवादी विचारधारा है, मूर्ति पूजा में विश्वास है, एक रूप की आराधना में विश्वास है। दूसरी धारा है निर्गुण धारा जिसमें कबीर और मलिक मोहम्मद जायसी है। निर्गुण निराकार वाले मानते हैं कि वो जो सुप्रीम पावर है वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। पुहुप बास्ते पात्रा ऐसा तत्व अनुरूप, कि वो सब घट मेरा साइया खाली घटना को, इस तरह की बात करते हैं तुलसीदास जी, वो सॉरी कबीरदास जी। दो धाराएं सगुण धारा निर्गुण धारा। सगुण धारा में भी दो मार्ग निकले, एक कृष्ण मार्गी एक राम मार्गी। राम मार्गी के प्रवर्तक कवि तुलसीदास जी और कृष्ण मार्गी के प्रवर्तक कवि सूरदास जी। निर्गुण में भी दो धारा निकली, एक ज्ञान मार्गी जिसके प्रवर्तक कवि कबीरदास, एक प्रेम मार्गी जिसके प्रवर्तक कवि मलिक मोहम्मद जायसी। राम मार्गी धारा की बात करें तो तुलसीदास जी ने राम को ईश्वर का अवतार माना है। रामचरितमानस में एक ही लीला करते हैं साधारण अंदर की तरह, लेकिन हर 10-20 पाइयों के बाद में राम ब्रह्म परमारथ रूप है, इस तरह की बात करते हैं कि राम ईश्वर का रूप है। बोले सूरदास जी कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, एकमात्र कृष्ण की भक्ति। सूरदास जी शुद्ध पूर्णतया भक्त कवि हैं, जीवन में उन्होंने एक भी पद एक भी पंक्ति खुद के स्वयं के बारे में चर्चा नहीं की कि वो जन्मांध थे, कहाँ थे, क्या नाम था, उन्होंने कभी एक भी पद लिखा भी नहीं। उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनको लिपिबद्ध किया, उन्होंने लिखा। उनका एक दैनिक चर्या थी, दिनचर्या थी कि सुबह से शाम तक एक कृष्ण के बारे में पद जोड़ते थे, शाम को कृष्ण की प्रतिमा के आगे उस पद को सुनाते थे। ये कृष्ण लीलाओं का गान करना एकमात्र उद्देश्य था सूरदास जी का। समाज की समस्याओं से उनको कोई सरोकार नहीं, पारिवारिक समस्याओं से कोई सरोकार नहीं, प्रासंगिक क्या समस्या उस समय कालीन समाज की दिशा में कोई मतलब नहीं, उनको तो एकमात्र भरोसो दृढ़ चरण के रो के कृष्ण के चरणों के अलावा, शरणागति के अलावा कहीं कोई मतलब नहीं। तुलसीदास जी समाज को की समस्याओं को साथ लेकर चले। इस तरह सगुण धारा के दो मार्ग, एक कृष्ण मार्ग एक राम मार्ग।